केक एक ऐसी डिश है जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों की फेवरेट होती है, लेकिन हम इसे बनाने और उसे बेक करने की टेंशन के कारण इसे मार्केट से लाना ही बेस्ट ऑप्शन समझते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि आप बहुत ही सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स से अपने बच्चों के लिए यमी, डिलीशियस और सुपर स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक खुद ही बना सकती हैं, तो आप इसे घर पर बनाना ही प्रेफर करेंगी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इंडियन मॉम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के केक की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है और जिसे मैं बिना एग और बिना अवन के कुकर में ही बनाने जा रही हूँ। तो आपको भी मेरी केक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने बिस्किट केक की रेसिपी, और इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि मैं इसे बस 3 चीजों से बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं ओरियो बिस्किट के चॉकलेटी फ्लेवर बिस्किट यूज कर रही हूँ, और इसके एक पैकेट में 120 ग्राम की क्वांटिटी है। तो इस तरह से मैं 2 पैकेट यूज कर रही हूँ, तो टोटली मैं 240 ग्राम बिस्किट से अपना ये केक बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पर बोरबोन और पार्ले बिस्किट का भी यूज कर सकती हैं। और हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है इनो फ्रूट सॉल्ट। यहाँ पर मैं नॉर्मल या प्लेन इनो सॉल्ट का यूज कर रही हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप प्लेन वाला ब्लू कलर का इनो सॉल्ट ही यूज करें। और हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। यहाँ पर मैं वार्म मिल्क का यूज कर रही हूँ, और उसकी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ 1 बाउल। इसके लिए मैं एक साफ मिक्सिंग बाउल में अपने दोनों पैकेट्स में से ही अपने बिस्किट्स निकाल लूंगी, और यहाँ पर अपने बिस्किट्स को इनकी क्रीम के साथ ही यूज कर रही हूँ। इनकी क्रीम्स को मैं अलग नहीं कर रही हूँ। और देखिए, एक पैकेट में हमारे 12 बिस्किट्स हैं, तो इस तरह से मैं 24 बिस्किट्स का यूज करके आज केक बना रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने केक में कोई भी एडिशनल शुगर या स्वीटनर का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि इन बिस्किट्स और इसकी चॉकलेट में ही अपनी बहुत ज्यादा शुगर होती है। और इसके अलावा मैं इसमें किसी और बटर या ऑयल का यूज भी नहीं कर रही हूँ। तो अब इसके बाद हम सारे बिस्किट्स को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे, ताकि ग्राइंडर में हमारा ज्यादा टाइम ना लगे और इसका एक स्मूथ पाउडर बन जाए। तो अब टाइम है अपने इन बिस्किट्स को मिक्सर जार में ग्राइंड करने का। तो इसके साथ ही मैं अपने सारे बिस्किट्स को मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दूंगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको इस बिस्किट्स का एक बहुत ही ज्यादा बारीक और फाइन पाउडर बनाना है, इसे मोटा मोटा या दरदरा ना रखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बिस्किट एक पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम एक साफ मिक्सिंग बोल में अपने इन बिस्किट्स के पाउडर को ट्रांसफर कर लेंगे और आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। तो अब हम धीरे धीरे अपने वार्म मिल्क को इस बिस्किट के पाउडर में ऐड करते हुए इसका स्मूथ और फाइन बैटर बना लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना सारा मिल्क इसमें एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअली इसमें मिल्क डालते हुए इसका एक बैटर बनाएं, और इस स्पून से या विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स या फिर गांठे ना रहें। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप जितने अच्छे से अपने बैटर को विस्क करेंगे, जितने अच्छे से अपने बैटर को मिक्स करेंगे, आपका केक उतना ही फ्लफी और अच्छा बनेगा। तो देखिए, मैंने अपने बैटर को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लिया है, और इसी तरह से आपको भी अपने बैटर को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से विस्क करना है, ताकि आपका जो केक है काफी अच्छा बने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इसमें प्लेन वाला इनो ही यूज करना है, दूसरा इनो ना यूज करें। अगर आपके पास ये नॉर्मल इनो अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मीठे सोडे का भी कर सकती हैं। अब इस इनो को बैटर में डालने के बाद आप इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क का डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इनो बैटर में ऐड करने के बाद आप इसको बहुत ज्यादा देर तक ना रखें। जिस टाइम आपको केक को बेक करना है, इमीडिएट उसी से पहले आप अपने इनो को ऐड करें। तो इनो सॉल्ट ऐड करने के बाद आप याद रखें कि आपको इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इसको आपको बहुत ज्यादा विस्क या बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो जो इनो का रिएक्शन है वो नहीं होगा। हमारा जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ये इसी तरह का कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो केक का बैटर रेडी करते करते हमने अपने कुकर को भी गैस पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको अपने कुकर को या फिर कढ़ाई, जिसमें भी आप केक को बेक करना चाहती हैं, उसे आप 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट कर लें। अब आप अपने टीन में बटर या फिर ऑयल अप्लाई करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैदा लेकर अच्छे से स्प्रिंकल कर लें, और इसमें अच्छे से डस्ट करते हुए उसे सारी साइड्स पर फैला दें, ताकि हमारा जो केक है इसमें ना चिपके और इजीली बाहर निकल आए। और इसके बाद अपने कंटेनर या टिन को इस मैदे से डस्ट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे आप बाहर निकाल लें। अब हम अपने इस केक के बैटर को अपनी बेकिंग टिन में ट्रांसफर कर देंगे और इसे 3 से 4 बार अच्छे से टैप कर देंगे, ताकि ये उसमें इवनली सेट हो जाए। तो अब बारी है इसकी फाइनल गार्निशिंग की। तो मैं इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे टोटली स्किप भी कर सकती हैं और इसे प्लेन केक भी बना सकती हैं, लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट काफी पसंद है, तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। तो चलिए, अब बारी है अपने केक के टिन को कुकर में प्लेस करने की। इसके लिए मैंने आपको जैसा बता दिया था कि मैं अपने प्रीहीटेड कुकर में इसे रख रही हूँ, और आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको अपने कुकर की विसल और रबड़ को पहले ही निकाल देना है।
और उसके बाद हम अपने प्री हीटेड कुकर में किसी भी स्टैंड या फिर किसी भी डब्बे के ढक्कन को प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर हम अपने केक के टिन को रखेंगे। तो चलिए, अब हमने अपना केक का टिन इसमें प्लेस कर दिया है, तो अब हम अपने कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अगर आप इसे कुकर या कढ़ाई में नहीं बनाना चाहती हैं, तो आप सेम प्रोसेसिंग को फॉलो करते हुए इसे माइक्रोवेव या कन्फेक्शन पे भी बना सकती हैं। उसके लिए भी आपको इसे 180 डिग्री पर पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना होगा और फिर 35 से 40 मिनट के लिए इसमें बेक कर लें। अब हमारे केक को बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद करते हुए अपने कुकर को खोल के देख लेते हैं कि हमारा जो केक है अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। इसके लिए हम कोई भी टूथपिक, कोई नाइफ या फिर फॉर्क लेकर अपने केक के अंदर उसे इंसर्ट करके देखेंगे। अगर हमारा ये नाइफ और टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर निकल आते हैं, तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हमारा केक काफी गर्म है, हम ध्यान से किचन टॉवल की सहायता से इसे बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने देंगे। कुछ देर ठंडा होने के बाद ही हम अपने केक को इसमें से डीमोल्ड करेंगे। अगर गरम गरम केक को हम अपने कंटेनर में से डीमोल्ड कर देंगे, तो हमारा सारा केक टूट जाएगा। तो अब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब टाइम है इसको डीमोल्ड करने का। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट को उल्टा करके रख देंगे और अपने केक को इसमें से डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, पहले ही हमारे केक ने इसमें से सारी साइड्स छोड़ दी थी। अब हम ध्यान से अपने केक को सीधा कर देंगे ताकि ये ना टूटे, और देखिए कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। आपका केक भी मेरे केक की तरह यम्मी, डिलीशियस और फ्लफी तभी बनेगा जब आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स और टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।